और अब किसानों के आंदोलन की। आज किसानों के आंदोलन को एक महीने पूरे हो गए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले एक महीने से दिल्ली की घेराबंदी करे बैठे हैं। सरकार किसानों को समझाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन कांग्रेस के एक सांसद ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो वो लाशों का ढेर लगा देंगे। हम लाशों के भी ढेर लगाएंगे, हम अपना खून भी इसके लिए कहीं तक भी किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो सुना आपने, यह है किसान आंदोलन के रणनीतिकार। ये लाशों का ढेर लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं, किसी भी हद तक जाने की बात भी कर रहे हैं। एक बार फिर सुनिए न्यूज नेशन की माइक पर दी गई इनकी धमकी। हम लाशों के भी ढेर लगाएंगे, हम अपना खून भी इसके लिए कहीं तक भी किसी हद तक भी जा सकते हैं। वो एक तरीक को बाद हम नई प्लानिंग के साथ आएंगे। अब जरा किसान आंदोलन के समर्थन में लाशों का ढेर लगाने की चेतावनी देने वाले इन नेताजी का परिचय भी जान लीजिए। ये है लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू। एक महीने से जारी किसान आंदोलन का अभी तक कोई हल नहीं निकल सका है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान दिल्ली की घेराबंदी करके बैठे हैं। दूसरी ओर केंद्र सरकार को किसानों के एक बड़े समूह से इन कानूनों को लेकर समर्थन भी मिल रहा है। ऐसे में आंदोलनकारी किसानों का समर्थन कर रहे राजनीतिक दलों की बेचैनी बढ़ती नजर आ रही है। रवनीत सिंह बिट्टू की बयानबाजी में भी इसके संकेत साफ नजर आ रहे हैं। हम अब एक तरीके के बाद कोई नया प्लान, जहाँ तो गुड़गांव और दिल्ली जो सबसे बड़ा, जहाँ पे सबसे बड़े कॉपरेटिव हाउस बैठे हैं उसको बंद करेंगे, जहाँ और इस बॉर्डर को तोड़ के अंदर दिल्ली के आने की घुसने की कोशिश करेंगे। हजारों गिनती में भैंसें, गायें, भेड़, बकरी, हजारों की तादाद में 10-20 हज़ार वो दिल्ली के अंदर अंदर लेके आएंगे। कांग्रेस के सांसद बिट्टू की माने तो उनकी योजना सिर्फ दिल्ली को घेरने की नहीं है। वो चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आंदोलन और बढ़ा तो सीमा की सुरक्षा में जुटे सैनिक भी इस आंदोलन में कूद पड़ेंगे। इनके बच्चे ही चाइना और पाकिस्तान पे रक्षा कर रहे हैं, कहीं वो अपनी बंदूक छोड़ के यहाँ ना वापस आ जाएं, क्योंकि उनकी लाखों में नंबर है जो चाइना और पाकिस्तान की सेफ्टी अपने देश की कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन की शुरुआत से ही आरोप लगता रहा है कि आंदोलन को विपक्ष की सह मिली हुई है। कांग्रेस हमेशा किसानों का मोरल सपोर्ट करने की बात करती रही है, लेकिन कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू खुद ही किसानों के लिए रणनीति बनाने की बात कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं भी यहाँ बैठे हैं, बैठे बैठे थक जाएंगे। नहीं, जो शांतिमयी प्रदर्शन से इनसे कोई इनके फर्क नहीं पड़ रहा, हमें स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। किसान आंदोलन की शुरुआत पंजाब से ही हुई थी और अब इसे पूरे देश का किसान आंदोलन बनाने की पुरजोर कोशिशें हो रही है, लेकिन कांग्रेस सांसद के इस बयान से इस बात के साफ संकेत मिलते हैं कि इस आंदोलन के पीछे किन लोगों का दिमाग है। दिल्ली से मोहित राज दुबे के साथ टीम न्यूज नेशन। नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में किसानों ने डेरा डाल रखा है। देश के अलग अलग हिस्सों से भी किसान लगातार दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। ऐसे में जगह जगह किसानों के साथ पुलिस की झड़प भी हो रही है। ये किसानों के गुस्से की चार तस्वीरें हैं जो नए कृषि कानून के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है तो देश के बाकी इलाकों के किसान भी इस आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली कूच कर रहे हैं। ऐसे में जगह जगह किसानों का आक्रोश दिख रहा है। पुलिस बैरिगेटिंग पर ट्रैक्टर चढ़ाते किसान की तस्वीरें हैं उत्तराखंड के बाजपुर की। ये किसान दिल्ली में चल रहे आंदोलन में शामिल होने निकले थे, लेकिन पुलिस ने रोक दिया तो हंगामा मच गया। नाराज किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग पर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया। हंगामा, कुर्सियां तोड़ने की कोशिश और मारपीट पर उतारू किसान। बवाल की ये तस्वीरें आई हैं पंजाब के भटिंडा से। यहां बीजेपी के कार्यक्रम में पहुंचकर किसानों ने जमकर तोड़फोड़। Thank you.
किसानों के प्रदर्शन की तस्वीरें जयपुर दिल्ली हाईवे की। ये किसान दिल्ली में चल रहे आंदोलन में शामिल होने के लिए आ रहे थे, लेकिन हरियाणा पुलिस ने किसानों को रोक दिया, जिसके बाद किसान हाईवे पर ही बैठ और प्रदर्शन करने लगे। मथुरा से भी सैकड़ों किसान दिल्ली के लिए निकले, लेकिन प्रशासन को खबर लगते ही यमुना एक्सप्रेसवे पर चढ़ने से पहले ही किसानों को रोक दिया। इसके बाद ये किसान बाजना कट पर ही धरना देने लगे। टीम न्यूज़ नेशन।